एक घर में चमेली, उसकी बहू स्वाति और स्वाति की बहू रिया रहते थे। पीयूष रिया का पति और स्वाति का बेटा था। चमेली पीयूष की दादी लगती थी। चमेली की उम्र 100 वर्ष से भी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वो बहुत फुर्तीली थी। घर का ज्यादातर काम चमेली ही किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ स्वाति और रिया ठीक इसके उल्टे थे। सुबह देर तक सोना, काम के लिए आलस दिखाना उनके लिए आम बात थी, और इस काम के लिए उनके घर में खींचा तानी लगी ही रहती थी। अरे मम्मी जी, इस उम्र विच थोड़ा कट काम किया करो, नहीं तो लोग के कहेंगे कि बहू ने सस्ता ध्यान नहीं रखा। हाँ बहू, तुम भी थोड़ा कम बोला करो, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो लोग कहेंगे कि सास बेचारी इतनी उम्र की होकर भी अच्छी भली है और बहू अभी से चल बसी। बस रहने दीजिए आप, वैसे भी कौन मेरे बारे की सोचता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हानी दे वैसे मम्मी जी, दादी जी ने गलती क्या कहा? ठीक है कि ठीक है, और तुम मेरी बहू होकर मुझसे जुबान लड़ाती है, शर्म नहीं आती? अरे अरे, क्यों इस बेचारी को डांटती हो? अरे तुम्हें भी सास से बहस करे बिना चैन नहीं मिलता। इस सब शोर की आवाज सुनकर पीयूष अपने कमरे से बाहर आ जाता है और कहता है, अरे माँ, दादी की बात सुन लिया करो ना, तुम्हारे भले के लिए ही तो बोलती हैं। और रहन दो छट्टो पर अब बला बुरा, इन्नानु ते बस मिन्नू परेशान करन चे मजा आंदा है। चल झूठी। इस घर में 3 पीढ़ी की औरतें एक साथ रहती थी, जिसके कारण सारा दिन इनकी किसी ना किसी बात को लेकर नोक झोंक चलती ही रहती थी। और इस ड्रामे के कारण और कोई तो नहीं, लेकिन पीयूष बड़ा परेशान रहता था। वो एक सुबह ऑफिस के लिए लेट हो रहा था और इन तीनों को लड़ते देख वो बोलता है, अरे माँ, दादी और रिया, बस करो आप लोग। आप लोगों के पास कुछ काम हो या ना हो, लेकिन मेरे पास बहुत काम है। रिया, मेरा टिफिन ला दो जल्दी से, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। रिया पीयूष को टिफिन ला कर देती है और पीयूष ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही तीनों हमेशा की तरह एक बार फिर अपनी नोक झोंक में लग जाती है, और इसी में उनका दिन बीत जाता है। शाम को पीयूष ऑफिस से आते समय अपने कुछ दोस्तों को भी खाने पर ले आता है और बोलता है, अरे रिया सुनो, सॉरी वो मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज खाने पर मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त आए हैं, तुम प्लीज जल्दी से डिनर बना दो ना। वाह वाह, आलसी माँ के आलसी बेटे, एक तो बिना बताए अपने दोस्तों को घर ले आते हो और फिर कहते हो जल्दी से खाना बना दो। अगर इतनी ही जल्दी है तो खुद क्यों नहीं बना लेते? अरे यार तुम भी ना, गुस्सा बाद में कर लेना, अभी प्लीज खाना बना दो। इतना कहकर पीयूष अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता है और रिया डिनर की टेंशन में सास स्वाति के पास जाती है। स्वाति हमेशा की तरह अपने कमरे में आराम कर रही होती है। मम्मी जी, वो पीयूष है ना, अपने दोस्तों को घर ले आए हैं बिना बताए और कह रहे हैं कि डिनर जल्दी से बना दो। आप कुछ ऐसा बताइए ना जो फटाफट से बन जाए और सबको पसंद आ जाए। अरे तो मैं क्या करूं? जाओ जाकर रेस्टोरेंट तो मंगवा लो, मिन्नू सोन दो, परेशान ना करो बार बार। इतने में दादी सास भी वहाँ आ जाती है। वाह, आलसी का आइडिया भी उसी की तरह फ्लॉप। कोरोना में बाहर से खाना मंगाएंगे। बहू, तुम आलस फैलाने में बहुत अच्छी हो। अरे वही करो ना। चल रिया, मैं बताती हूँ तुझे कि करना क्या है। इतना कहकर रिया और दादी रसोई में जाती हैं और मिलकर सबके लिए खाना बनाती हैं, जिससे उन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और सबको खाना पसंद भी आ जाता है। दादी का ये आइडिया देखकर पीयूष और रिया बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और मेहमानों के जाने के बाद वो कहते हैं, वाओ दादी, तो ये राज है आपका इतनी एनर्जेटिक और एंडलेस लाइफ जीने का। वैसे दादी ने आज तक ये राज किसी को भी नहीं बताया। भगवान, तेरी सास तो मेरे ऊपर जाने का इंतजार कर रही है, पर इस आलसी का ये सपना इतने जल्दी पूरा नहीं होने वाला। हाँ। क्यों जी, अमर होना वरदान लेके आए हो? अमर का
का तो पता नहीं, अरे हाँ लगता है तुझसे लंबा तो जरूर जीऊंगी। इससे पहले बात और आगे बढ़े, प्रिया और पीयूष बीच में बोल पड़ते हैं। माँ दादी, क्या यार आप लोग हर बार की तरह फिर से शुरू हो गए। अब इस बात को ना यही खत्म कर देते हैं, और वैसे भी हम तो यही चाहते हैं कि आप दोनों साथ रहें। रिया और पीयूष की बातों पर सब शांत हो जाते हैं और उनकी लाइफ पहले जैसी चलने लगती है। जहाँ एक तरफ दादी सुबह जल्दी उठकर घर के ज्यादातर काम निपटाती हैं, वहीं दूसरी ओर स्वाति और रिया लेट उठने से लेकर अपने धीरे धीरे काम करने की आदत को जारी रखती हैं। एक दिन स्वाति की सहेली नैन्सी उनके घर आती है। क्यों रे स्वाति, कैसी चल रही है तेरी जिंदगी? अरे मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास यार, बस से बुढ़िया ऊपर चली जाए। अरे अरे स्वाति, वो सास है तुम्हारी, उनके बारे में ऐसे क्यों बोलती हो? और फिर तुम्हें तो उनसे सीखना चाहिए, वो इस उम्र में भी कितनी फुर्तीली है। अरे मैंने तो उन्हें रोज सुबह एक्सरसाइज करते हुए भी देखा है। और एक तरफ तुम और तुम्हारी बहू हो, जिन्हें शायद सुबह का सूरज भी ना दिखा हो कभी। नैन्सी की बात सुनकर स्वाति को गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। शोर की आवाज सुनकर दादी, रिया और पीयूष बाहर आ जाते हैं और नैन्सी वहाँ से चली जाती है। अरे सासू माँ, हुन तो ताटे कलेजे जे ठंड पै गई, अब तो मेरी सहेलियाँ भी मुझे ताने देती है आपकी वजह से। मम्मी जी, लोगों का तो काम है कहना, और आप इन लोगों की बातों पर कब से ध्यान देने लगे? अब तो कुछ समझो, अरे अपना लाइफस्टाइल सुधारो। हाय रब्बा, हुन साडा लाइफस्टाइल भी खराब हो गया। देखो तो हाटा तो जीवन बड़ा हाईफाई है। तुम लोग हमेशा पूछते हो ना कि मेरे इस उम्र में भी इतना एक्टिव होने का राज क्या है, तो ये राज ये लाइफस्टाइल ही है, और इससे हाईफाई नहीं बल्कि सिंपल कहते हैं। अरे दादी जी, आप कहना क्या चाहती हैं? जरा साफ साफ बताइए। अरे मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने जिंदगी में बहुत किताबें पढ़ी हैं और उनसे ये सीखा है कि हम जिंदगी कितने गलत तरीके से जीते हैं। फिर क्या, मैंने एक अच्छा जीवन जीने के लिए इकिगाई रूल अपनाया, जिसका मकसद केवल अच्छा जीवन जीना था, लेकिन इतना लंबा कैसे जी गई मुझे खुद ही नहीं पता। यानी कि तुसी तो मेनू कभी परेशान ही नहीं कीता? वो तो आप करती ही हैं। वैसे दादी, ये इकिगाई क्या है? अरे आलसियों, थोड़ा रिसर्च खुद भी कर लो। हाँ। दादी की बात सुनकर स्वाति, रिया और पीयूष को बड़ा आश्चर्य होता है और वो तीनों इकिगाई के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं और इसे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, जिससे उनका लाइफस्टाइल बेहतर हो जाता है और अब सब खुशी खुशी एक स्वस्थ जीवन जीना शुरू कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।